नमस्कार एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटोचा। रायपुर में बुधवार को भारी बारिश की वजह से तेली बांधा के नवनिर्मित एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई। घटिया निर्माण की वजह से पुल उद्घाटन से पहले ही धस गया। पुल धसने की वजह से बीती रात एक कार का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना से वाहन चालक के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुल धसने की खबर लगते ही आनर फानर में अधिकारी पहुंचे और पुल को रिपेयरिंग करने की कोशिश की। इस घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी अब इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 मार्च को इसी चीज का बनते हुए वीडियो दिखा दिया था कि इसमें गुणवत्ता में कमी हो रही है, जिसको हर किसी को मैंने व्हाट्सएप किया, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारीगण हो, चाहे इस डिपार्टमेंट के अनिल राय सर, उनको भी मैंने उस वीडियो को व्हाट्सएप किया था, पर आज तक कोई उस मौके पे मुआयना करने नहीं आया। आज जब यहाँ गुणवत्ता विहीन का के कारण जो दुर्घटना हो रही है, उस दुर्घटना के बाद शासन प्रशासन जाग रही है और सब पहुंच रहे हैं। यदि एक चीज पहले कर दिया गया होता तो आज शायद किसी की जान बच जाती। मेरी वाइफ स्टेशन से वापस आ रहे थे, मेरी वाइफ ड्राइविंग कर रही थी, अचानक वो गड्ढा आया बीच में, क्योंकि हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी रोड में गड्ढा होगा, और वहां से कार उछली और डिसबैलेंस होकर स्टीयरिंग लॉक हुआ और ये हादसा हुआ है। चार पलटी खाई है कार। इस पे है कि कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने लापरवाही बरते हैं वही नजर आ रही है, क्योंकि जो जहां से पुल खत्म होता है वहां पे जिन्होंने मुरुम डाला है वो धस गया है, और इसी वजह से क्या है कि गड्ढे होने की वजह से स्पीड में गाड़ी चलती है, इसी वजह से ही वो गाड़ी उचक के एक्सीडेंट हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं सत्या राजपूत से। सत्या, जिस तरह से ये जो अनियमितता सामने आई है, घटिया निर्माण का ये पुल निर्मित किया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया था और कितने समय से इसलिए जो पुल है वो बनाया जा रहा था, और निर्माण कंपनी कौन सी थी? जी दीपक, ये लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये था, जो ट्रैफिक में जो लोग फंस रहे हैं, परेशानियां हो रही है, उसको निजात दिलाने के लिए इसको बनाया गया। लेकिन ये जो 200 करोड़ है पानी की तरह बहाया गया, लेकिन इससे जो कमीशन खोरी गुणवत्ता हो रही है, इसका पहले बारिश ने पोल खोल के रख दी है। क्योंकि ये जो आए दिन कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस वे धसक रही है, दूर की दीवारों में दरार आ रही है, तो इससे आपको बता दें दीपक कि इसमें जो प्रारंभ से ही इसका विरोध हो रहा था, इसके गुणवत्ता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सामने आ रहे थे और स्वराज एक्सप्रेस ने इसकी कई सारी खबरें उठाई, इसके बावजूद यहाँ अधिकारी एक्शन में आते थे, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब ये जो एक के बाद एक घटना सामने आ रही है और जो दरारें पड़ रही है, उसके बाद नेता मंत्री वहां मौके पे पहुंच रहे हैं, तो ये रीत सी बन गई है कि अगर घटना हो उसके बाद मंत्री जाके पहले से जगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सत्य, किसके द्वारा ये बनवाया गया था, ये जो हाईवे है? तो ये टेंडर मिला हुआ है और लगभग 200 ज्यादा करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। जी, और हमारे साथ अमर सिंह जी जुड़ गए हैं, रिक्त सहायक आयुक्त। सर, जिस तरीके से देखा जाए ये जो निर्माण हुआ है, ये घटिया स्तर का निर्माण, और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार लोग इसके लिए जागरूक कर रहे थे मंत्रियों को, विधायकों को, और जो अधिकारी हैं उन्हें SMS करके, उन्हें वीडियो क्लिप भेजकर ये जता रहे थे कि घटिया निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जाहिर है कि इंजीनियर भी पहुंचा होगा इसे चेक करने के लिए, तो इंजीनियर ने भी रूल पास कर दिया। सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सर। हाँ, मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ, उपाध्यक्ष देवनगर रेसिडेंस एसोसिएशन का। जी, जिस तरीके से उपाध्यक्ष जी ये हाल देख रहे हैं आप, कि हाल ये चल रहा है कि सड़क निर्माण हुए हैं, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, और इस तरीके का अनियमितता और पूरी रोड धस रही है, कैसे चलेगा इस तरह से? नहीं, एक्चुअल में मैं प्रार्थी हूँ या शिकायत करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूँ। जी, एक्चुअल में जो CGRDC डिपार्टमेंट बन रही है, ने काम किया हुआ एक्सप्रेस वे का, इसमें जो गलत निर्माण हो रहा था उसका मैंने 15 मार्च को वीडियो क्लिपिंग भी जारी की थी और उच्च अधिकारियों को सबको भेजा भी था। जी, उसके बाद भी किसी ने संज्ञान ले लिया, विधायक मंत्री सभी के पास मैंने लिखित शिकायत की कि गलत हो रहा है, निर्माण गलत हो रहा है, जिसके लिए मैंने हाईकोर्ट में याचिका भी डाल के रखी हुई है। जी, और आज तक उसमें संज्ञान नहीं हुआ। जब दुर्घटना आपके द्वारा कई बार ये क्लिप भेजी जा चुकी है, जो प्रतिनिधि है, जैसा कि आपने कहा, हर किसी को भेजी गई।
जी बिल्कुल, मैंने यहाँ के एमडी साहब जो सीजीआरडीसी एमडी साहब अनिल राज सर उनको भी भेजी है, उनका बकायदा ब्लू टिक भी हुआ है, देखे भी है उस क्लिप को, पर आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया। जी जी जी, मतलब ये कहा जाए कि कानों में जू किसी की नहीं रहेंगी और ये निर्माण कार्य चलता रहा और आखिरकार उसके परिणाम निकलने शुरू हो गए। इसलिए तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से सत्य देखा जाए कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे, कांग्रेस की सरकार आई उनका भी मैनिफेस्टो में यही था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और जिस तरीके से ये देखा जाए जाहिर है कि ये सड़क जब बनी होगी तो कई लोग इसे चेक करने के लिए भी आए होंगे जिसमें एक इंजीनियर भी शामिल होगा, उस इंजीनियर ने कैसे इसको पास कर दिया, और ये हाईवे है जनता का पैसा खून पसीने का लगा हुआ है, और जिस तरीके से ऐसे ही टेंडर पास करते रहेंगे ऐसे लोगों को टेंडर देते रहेंगे जो सड़क की जगह पता नहीं क्या बना के तैयार कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दीपक ये पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ये पास हुआ था, उसी समय बना था, लेकिन आज तक इसका जहां जाए तो लोकार्पण नहीं हो पाया है और इसको बीजेपी जो कार्यकर्ता है जाकर आचार संहिता हटने के बाद इसका लोकार्पण किया था, लेकिन आपको बता दें दीपक ये एक्सप्रेस वे है लेकिन आज तक इसको रोका नहीं गया है, ये कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है, और जब ये मामला उजागर हुआ तो राज्य एक्सप्रेस ने ये खबर चलाई परसों, तो रातों रात अधिकारी ठेकेदार वहां पहुंचे और जो दरार है उसको भरने की कोशिश की, लिपापोती की है, लेकिन रात में जो बारिश हुई फिर उसका पोल खोल के रख दिया। सत्ता बिल्कुल उनके समय में बना था ये हाईवे, मैं बिल्कुल मानता हूँ टेंडर भी उनके समय में पास हुआ था बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी तो लोगों ने इसकी कांग्रेस की सरकार और अन्य अधिकारियों को क्लिप भेजा है कि इसमें जो निर्माण हो रहा है जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। जी अभी भी ये इसमें बयानबाजी जारी है, वहाँ पे विधायक मौके पे विधायक कल विकास उपाध्याय जो पश्चिम से विधायक है वो पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ का जायजा लिया, उन्होंने कहा कि इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, कमीशन को लिखी गई है इसका ये है, तो उन्होंने फिर कहा कि इसमें जांच अधिकारी आएंगे जांच करेंगे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठेकेदार और कंपनी पर इसका FIR दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या दिनेश जी, जिस तरीके से देखा जाए अगर इसी तरीके से निर्माण होता रहा, ये तो पहला रोड है जिस तरीके से अभी तो शहर भर में या पूरे प्रदेश भर में न जाने कितने निर्माण चल रहे हैं सड़कों के, लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसे ही दस्ती रही सड़कें तो क्या रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का? ये तो गनीमत रही कि वो दोनों ही दंपत्ति सही सलामत बच गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता, कोई बच्चों के स्कूल वैन यहाँ पर पलट सकती थी। बिल्कुल सर, मेरा कहना यह है कि भगवान ने सिर्फ ये जो हादसा हुआ है ये सूचना बताओ उनको दिया है कि अभी भी रोड को ठीक करा जा सकता है, और शासन को इसमें आगाह किया गया है कि कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है, कम से कम अब तो शासन के लोग जागे, अब तो लोग यहाँ पे कुछ कार्रवाई करें और सही रोड निर्माण करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये सबसे बड़ा मौत का तांडव होने वाला एक्सप्रेस वे रहेगा और अधिकारी लोग मौत के सौदागर कहलाए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वीडियो क्लिप अगर भेजने के बावजूद भी अगर कोई निर्माण चेक करने के लिए है कहां, अगर देखा जाए कांग्रेस से बीजेपी की एक एक कमियां ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे हाईवे में अनियमितताएं दिख रही हैं चारों तरफ, क्योंकि रोड धसती जा रही है, पुल उसके धस रहे हैं, मुरम सही से नहीं डाली गई, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है सभी अधिकारियों के बीच, शायद इसी वजह से इस निर्माण कार्य पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, शायद इसके बाद जब यह हादसा हुआ है तो बयानबाजी जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि शुरू हो गई है, वो बयानबाजी तक ही ये सीमित रह के जाएगा। चलिए तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी और सत्य आपका भी। मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री ओम